हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है 7th पे कमीशन की, जिसमें की बात की गई है हाइक इन द मिनिमम पे, फिटमेंट फैक्टर जो कि जल्दी अनाउंस होने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं 7th पे कमीशन के जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अंडर द प्रेशर फ्रॉम कमिंग जनरल इलेक्शन, जैसा कि आप जानते हैं 2019 में जो नया इलेक्शन होने वाला है, उसके प्रेशर के वजह से जो आज की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो जो गवर्नमेंट है वो जल्द ही जो है 7th पे के जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो ले सकती है, और उसकी डेट भी तय कर दी गई है कि किस दिन ये इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा, उसमें क्या क्या और किस किस बारे में जो बात की जाएगी 7th पे कमीशन के। तो इसमें कहा गया कि 15 अगस्त को जो है प्राइम मिनिस्टर जो है अनाउंस कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या है, हाइक इन मिनिमम पे, जो मिनिमम पे में हाइक है उसके बारे में। दूसरा, फिटमेंट फैक्टर के बारे में। और ये जो हाइक और फिटमेंट फैक्टर है, ये कहा जा रहा है कि ये जो होगा अनाउंस होगा, ये जो 7th पे की एग्जिस्टिंग रिकमेंडेशन है उससे भी ज़्यादा। और जो मेन जो इस रिपोर्ट की बात है वो दो बातों में है, एक तो मिनिमम पे में हाइक, और दूसरी जो बात है वो है जो रिटायरमेंट एज, जो कि बहुत दिनों से चली आ रही रिटायरमेंट एज 60 से 62 करने की। तो जो रिटायरमेंट एज है 60 से 62 करने की बात हो रही है, और मिनिमम पे जो है वो जो बढ़ाने की बात हो रही है। आप ये देख सकते हैं, ये रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि मिनिमम पे ऑफ ₹18,000 पर मंथ एंड फिटमेंट फैक्टर 2.57, जो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन 7th सेंट्रल पे कमीशन ने की थी, इसको जो है विचार किया जा रहा है। तो द 7th पे कमीशन हैज़ रिकमेंडेड 14.27% हाइक इन बेसिक पे में, 14.27, जिसमें कि मिनिमम पे क्या है 7,000 से 18,000 पर मंथ, विच वॉज एक्सेप्टेड ऑन जून 2016। सिंस देन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दे आर आस्किंग टू रेज टू 26,000। वो 26,000 और जो फिटमेंट फैक्टर है, दो चीज़ें हैं, 2.57 से 3.68 फिटमेंट फैक्टर, और मिनिमम पे जो है 26,000। तो ये आज की रिपोर्ट में जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि इन दोनों चीज़ों पे जो है 15 अगस्त को आने वाली में 15 अगस्त को इसमें फैसला लिया जाएगा, जिसमें जो है रिटायरमेंट एज 60 से बढ़ा के 62 की जाएगी। आप देख सकते हैं, रिपोर्ट पब्लिश्ड इन सेम टाइम्स कोटेड अ गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड सेड दैट हाइक इन द मिनिमम पे एंड फिटमेंट फैक्टर बियॉन्ड द रिकमेंडेशन ऑफ 7th पे कमीशन, जो 7th पे की कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उससे भी ज़्यादा किया जाएगा। तो ये था दोस्तों 7th पे कमीशन से रिलेटेड जो है अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।